अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एप्पल क्रम्बल मफ़िन्स या एप्पल स्ट्रूसल मफ़िन्स भी कहते हैं इनको, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ, जो चीज़ें इसमें डलेंगी। इसके लिए मैंने ये ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, इसमें नमक और बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इसमें अंडा है एक, और दूध, ये अंडा है और इसमें दूध और ऑयल मैंने दोनों एक साथ डाल दिए। सेब को काट के मैंने पानी में भिगो दिया ताकि इसका रंग ख़राब ना हो। ये सेब छील के और मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। चीनी है इसमें और वनीला एक्सट्रैक्ट भी डलेगा। और ये स्ट्रूसल या क्रम्बल की जो टॉपिंग है इसकी, ये उसकी चीज़ें हैं। इसमें ब्राउन शुगर है, बटर है, सिनेमन पाउडर है और ऑल पर्पस फ्लावर है। ये बटर को मैंने काट के रख लिया है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और ये मफ़िन लाइनर्स हैं, इसको मफ़िन ट्रे में मैंने लगा दिए। ओवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। और ये ग्रैन्यूलेटेड शुगर है। बस ये सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा से दिखा देती हूँ मैं। ऑल पर्पस फ्लावर है, अंडा है, दूध है इसमें, और स्ट्रूसल का जो सामान है वो मैंने एक तरफ रख दिया है। सबसे पहले ये ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ये स्ट्रूसल की चीज़ें अलग कर दें, ये सिर्फ टॉपिंग में डलेंगी। और मक्खन जो उसमें डलेगा वो बहुत ठंडा होना चाहिए, और उसको क्यूब्स में काट लें। बस अब ये पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने। इसमें नमक, बेकिंग पाउडर, ऑल पर्पस फ्लावर को मैंने मिक्स कर लिया। अब ये ग्रैन्यूलेटेड शुगर है मेरे पास, ये बारीक चीनी है। अगर ये ना हो तो मोटी चीनी हो तो उसको थोड़ा सा पीस लें। अब इसमें अंडा डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको हाथ वाले मिक्सर से इसको मिक्स कर लें। मफिन्स को इतने ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिक एग बीटर की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें दूध और ये ऑयल है, ये मैंने डाल दिया। इसकी डिटेल रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, क्या क्या चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से उसमें लिख दूँगी मैं, कौन सी चीज़ कितनी डलेगी। ये भी सारी चीज़ें मिक्स हो गई, चीनी, दूध और अंडा, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दें। और सेब को मैंने पानी से निकाल के इसको एक स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब इसमें ये ऑल पर्पस फ्लावर जो हमने मिक्स करके रखा था सारी ड्राई चीज़ों के साथ, नमक और बेकिंग पाउडर के साथ, इसको दो हिस्सों में डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें फिर सेब भी डाल देंगे। अब इनको मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रख दिया। और ये सेब जो है इसको मैंने एक छन्नी में डाल के रख दिया था, पानी में इसलिए भिगोया था क्योंकि सेब अगर इस तरह से काट के रखो तो उसका रंग ख़राब हो जाता है, काले हो जाते हैं। तो बस अब ये जो बाकी का रह गया था मैदा, ये इसमें अच्छी तरह से सारा डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने, बस अच्छी तरह से इसको इक्वली सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाए। देखें इस तरह का इसका बैटर होगा। और मफिन और क्विक ब्रेड्स जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते, बस ड्राई और वेट को मिक्स करना होता है एक साथ। अब मैंने ये इसमें सेब भी डाल दिए और इसको एक दफ़ा हल्के हाथ से मिक्स करके और फिर इसको मफिन ट्रे में डाल देंगे बेक होने के लिए। ये देखें ये मिक्स हो चुकी हैं सारी चीज़ें। और अब ये स्ट्रूसल की चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसको किसी कांटे से मिक्स कर लें या पेस्ट्री कटर जो होता है उससे मिक्स कर लें। और ये इसमें जो अनसाल्टेड बटर है, और ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए तभी उसकी अच्छी सी क्रम्बल जो है उसका ऊपर वाला जो टॉपिंग है वो उसी तरह उससे ही बहुत अच्छा उसका क्रम्ब इफ़ेक्ट आएगा। तो बस अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर मैं दिखाती हूँ। ये मैं एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए ज़रा मुश्किल हो रहा है मुझे। तो अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मक्खन को, पहले अभी ड्राई चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब मैं मक्खन को भी इसमें मिक्स कर दूँगी। इस तरह से दबा दबा के इसमें मिक्स कर दें। और इसमें ठंडा ही मक्खन डलेगा, मेल्टेड बटर इसमें बिल्कुल ना डालें।
इसको इस अच्छी तरह से बस इस तरह से कांटे को साफ़ करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, या तो इससे कर लें या पेस्ट्री कटर जो होता है उससे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स इसको मिक्स करने में, तो बस अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये पेस्ट्री कटर है, या तो इससे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स, अगर ये हो तो इससे बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा इस तरह से। बस इसको बीच बीच में से क्लीन करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, तो ये देखें इस तरह का ये बिखरा बिखरा सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसको बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए, क्रम्बल का या स्ट्रोसर इसको कहते हैं। बस ये तैयार हो चुका है और इसी तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। कहीं कहीं इसमें से बटर नज़र आए, छोटे इसकी पीसेस हो जाने चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल मेल्ट नहीं करना है। बस अब इसमें ट्रे में डालते हैं और आइसक्रीम स्कूप की मदद से डालें अगर, तो ये सब एक ही साइज़ के फिर बनते हैं। बस अब मैं ये सब डाल के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने सब में डाल दिया और अब इसके ऊपर जो है स्ट्रूसल की टॉपिंग डाल देंगे, तो क्रम्बल हम क्रम्बल टॉपिंग बनाइए। इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले सब पे डाल दें हाफ हाफ टेबल स्पून, उसके बाद एक टेबल स्पून सब पे डाल दें, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अगर बच जाए तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फिर डाल दें। इस तरह सबके ऊपर डाल के और इसको बेक होने के लिए रख देंगे, जब तक कि इसका इसमें टूथपिक डाल के देखें, अगर वो क्लीन निकले तो इसका मतलब ये तैयार है। बस अब मैं सब पे डाल के फिर दिखाती हूँ। इसको मैंने सब पे डाल दिए और अब ओवन में मैं रख दूँगी इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बेक होने के लिए। 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, या जब तक इसमें इस तरह से ये केक टेस्टर डाल के देख लें या टूथपिक डाल के देखें और सेंटर में से डाल के चेक कर लें, ये अगर ये क्लीन निकले इसका मतलब ये तैयार है। बस अभी ठंडे हो जाते हैं थोड़े से, इसी में ट्रे में इसको मैं ठंडा करूँगी। इसको मैंने कूलिंग रैक के ऊपर रख दिया और अब मैं उसके बाद फिर मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये इसको मैंने निकाल लिया है, मफिन ट्रे में से मैंने निकाल दिया है और इसको चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ, दोनों के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े के, कॉफ़ी के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये। इसको मैं काट के दिखा देती हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा ये अच्छे सॉफ्ट और मॉइस्ट थे, बिल्कुल ड्राई नहीं थे और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया था। अगर ये स्ट्रोसल टॉपिंग के बग़ैर भी बनाना चाहें तो उसके बग़ैर भी बना सकते हैं, और अगर उसके बग़ैर बनाएं तो ऊपर से थोड़ी सी सिनेमन और चीनी को मिक्स करके और उसके ऊपर छिड़क दें तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी डिटेल के साथ, और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, चाय के टाइम पर भी इसको बना सकते हैं, और बच्चों के स्कूल कॉलेज ले जाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्रीम नहीं लगी होती है, तो ये इसका ये बहुत देर तक ये फ्रेश रहते हैं। वरना क्रीम अगर हो तो लंच में ले जाना है फिर वो ख़राब भी हो जाती है अगर गर्मियाँ हो, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। इसको 8 से 10 दिन या 12 दिन इसको रूम टेम्परेचर पर इसको किसी भी जार में रख लें इसको, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। ये देखें, इसका मैं अंदर से टेक्सचर दिखा देती हूँ, बहुत बहुत मॉइस्ट थे अंदर से और बहुत मज़े के थे।
तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएंगे और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।